केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवकों के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी बिना इजाजत कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं किन लोगों के लिए आया है ये नियम। केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से रिटायर्ड अधिकारी बिना इजाजत कोई भी चीज प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। संशोधित नियमों के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी को ये तय करने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या असंवेदनशील है और क्या ये संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। अगर गलत पोस्ट से संगठन की छवि खराब होती है तो गलत सामग्री परोसने वाले अधिकारियों के पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। 1972 में इस कानून में संशोधन करते हुए DOPT ने एक नियम को तोड़ा। नए संशोधन के तहत सेवानिवृत्ति पर RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल संगठनों में काम करने वालों को ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना संगठन के डोमेन से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का दावा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह फैसला किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रवर्तन निदेशालय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो CBI राजस्व खुफिया निदेशालय एविएशन रिसर्च सेंटर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड असम राइफल्स सशस्त्र सीमा बल स्पेशल ब्रांच अंडमान और निकोबार क्राइम ब्रांच CIDCB रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट शामिल हैं।